वालेकुम। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडियन के K585 वन हैंड गेमिंग कीबोर्ड और माउस को। इसका जो प्राइस है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही होगी। ब्लैक कलर में ये आता है और साथ में RGB लाइट्स भी मिल रही है। अनबॉक्सिंग में बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, डिज़ाइन का, और क्वालिटी भी चेक करेंगे, और इसकी जो RGB इफेक्ट्स हैं, लाइट इफेक्ट्स हैं, वो भी चेक करके इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और साथ में साउंड टेस्ट भी करेंगे। इसकी जो स्विच की साउंड है वो भी चेक करके आप लोगों को बताऊँगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा अमजद भाई का, और उनकी शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। तो बॉक्स के फ्रंट पे मिल जाता है रेड ड्रैगन का लोगो, यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का डिज़ाइन मिल जाता है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। और यहाँ पर बताया हुआ है कि हाई स्पीड मिल रही है, हाई क्वालिटी मिल रही है, हाई टेक्नोलॉजी मिल रही है, हाई परफॉर्मेंस मिल रही है, और हाईली कस्टमाइज का बताया हुआ है। यहाँ पर गेमिंग असेंशियल नेम मिल जाता है इस प्रोडक्ट का, K585 RGB-B है। मॉडल नंबर मिल जाता है, की पैड एंड माउस 2-in-1 का सेट मिल जाता है। बैक पर चलते हैं तो बैक पर बताया हुआ है फीचर्स का, 2-in-1 गेमिंग कीपैड मिल रहे हैं और गेमिंग माउस कॉम्बो का बताया हुआ है। 10,000 DPI हाई लेवल गेमिंग माउस मिल रहा है, और यहाँ पर जो है 8 प्रोग्रामेबल बटन्स मिल रहे हैं, 20G एक्सेलरेशन मिल रहे हैं, वन हैंडेड कीबोर्ड विद 7 ऑन बोर्ड माइक्रो कीज मिल रही है, और RGB बैक लाइटिंग मिल रही है, डिटैचेबल रिस्ट रेस्ट मिल रहा है जो कि हैंड रेस्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आइकन्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पर शॉर्ट्स बना के दिए हुए हैं, इसमें बताया हुआ है कि डिटैचेबल हैंड रेस्ट मिल रहा है, कनेक्टिंग बाय मैग्नेट का बताया हुआ है, टाइप सी पोर्ट मिल रही है। मॉडल नंबर मिल जाता है और सीरियल नंबर मिल जाता है, और इधर जो है सिस्टम सपोर्ट का बताया है, विंडो XP से लेके विंडो 10 तक का सपोर्ट मिल रहा है और मेड बाय चाइना है। तो चलिए फिर इसको जो है अनबॉक्स करते हैं, और फिर इसका जो क्वालिटी है, डिज़ाइन है और बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं बात कर लेता हूँ इसके गाइड बुक के। तो यहाँ पर स्टिकर मिल रहा है, ठीक है, रेड ड्रैगन का, और यहाँ पर यूजिंग गाइड बुक मिल रही है, इनको रखता हूँ मैं साइड पर। यहाँ पर जो है 4 स्विचेस मिल रहे हैं और ये ब्लू स्विच के साथ आता है, तो इन्होंने ब्लू स्विच दिए हैं, तो ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो ये इस टाइप से ये ब्लू स्विच मिल रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर तो ख़राब हो जाए तो ये आप लोग अटैच कर सकते हैं। तो ये 4 ब्लू स्विच मिल रहे हैं, तो ये इसको मैं रख देता हूँ साइड पर। और यहाँ पर जो है स्विच को उतारने का जो है एयर टूल मिल जाता है, तो ये इस टाइप का होता है, तो इसको भी साइड पर रख देता हूँ। यहाँ पर मैं केबल की बात कर लेता हूँ, तो कीबोर्ड की जो केबल है, कनेक्टिविटी केबल है, सी टाइप की मिल रही है, और ब्राइडेड केबल मिल रही है, वो नॉट आउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, और गोल्ड प्लेटेड जो USB का अंदर वाला कलर है वो गोल्ड प्लेटेड मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ डिटैचेबल हैंड रेस्ट की, तो यहाँ पर इस टाइप का डिटैचेबल मिल रहा है, हैंड रेस्ट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, तो ये यूं करके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, काफ़ी भारी है। अगर मैं इसको उतार भी दूँ ना तो फिर भी जो है कीबोर्ड काफ़ी भारी है, और बिल्ड क्वालिटी का ना पता चल जाता है कि यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। मैट फिनिश के साथ ये आता है, और इसके जो बटन्स है, यहाँ पर 2 बटन दिए, यहाँ पर 4 बटन दिए हुए, M2 से लेके M4 तक के बटन दिए हुए, और एक रिकैप का बटन आ जाता है, और यहाँ पर जो है फंक्शन कीज वगैरह का भी मिल जाता है सपोर्ट। तो मैं इसको भी चेक करके आपको बताता हूँ, जो कि कनेक्टिविटी जो है उसकी ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि जो RGB इफेक्ट्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है। और यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रही है ग्रिप, तो ये रबड़ की दी हुई है, तो ये स्लिप वगैरह भी नहीं होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा जो है दिया हुआ है। लेकिन ये है कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और डिज़ाइन वाइज है वो नो डाउट काफ़ी
अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं माउस की बात कर लेता हूँ, जो माउस की जो क्वालिटी है, ब्राइडेड केबल मिल रही है फ़िल्टर के साथ है, और जो यूएसबी का कलर है ना वो गोल्ड प्लेटेड है अंदर से भी बाहर से भी, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और जो डिज़ाइन वाइज है तो सिंपल डिज़ाइन है दोस्तों, मैट फिनिश के साथ आता है और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। और यहाँ पर जो है ना RGB इफेक्ट, यहाँ पर ये वाली एक नियॉन लाइट चलेगी, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से, और एक यहाँ से भी चलेगी। तो ये मैं आप लोगों को RGB जो है इफेक्ट्स वो ऑन करके आपको दिखाऊंगा। लेफ्ट पे 3 बटन मिल रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, और यहाँ पर जो है लेफ्ट राइट, और यहाँ पर जो है कलर चेंज करने के लिए है, और जो माउस कर्सर होता है उसका जो स्पीड वगैरह है वो तेज़ करने के लिए, और एक व्हील मिल जाता है, और जो है बस इतना ही है। और यहाँ पर जो है एक वेट मिल रहा है, तो ये इस टाइप से ये ओपन हो जाता है, तो इतना ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन यह है कि सही वेट है, और यह है कि अच्छी चीज़ बनाई हुई है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो नो डाउट काफ़ी अच्छी है। जो ये ग्रिप है ये रबड़ की दी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पर चलिए फिर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, और जो इसके RGB इफ़ेक्ट्स हैं इन दोनों चीज़ों के, ठीक है, वो फिर आपको लोगों को चेक करके दिखाता हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं RGB वो कैसे मिल रहे हैं। तो मैं फिर ऑन करता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसको मैंने ऑन कर लिया, और मैं जो है ना अपने कैमरे को थोड़ा और पास कर देता हूँ और एक लाइट ऑफ कर देता हूँ, ताकि जो RGB इफेक्ट्स हैं वो सही से नज़र आए। ओके, तो डन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस टाइप से ये RGB इफेक्ट्स हैं वो ऑन होते हैं, और ये काफ़ी अच्छी जो है लाइट शो कर रहे हैं, और RGB इफेक्ट्स जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। जो इसके जो RGB के फंक्शंस हैं ना, मतलब कि जो लाइट जो है उसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है, वो नो डाउट इसमें। तो यहाँ पर मैं पहले बात कर लेता हूँ इसके माउस की, ठीक है, तो माउस जो है वो इस टाइप से मिल रहा है, तो इसके जो डिज़ाइन वाइज है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो नियॉन टाइप इन्होंने लाइट दी हुई है, ये काफ़ी अच्छा जो है RGB का जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर ग्लो कर रहा है इसका रेड ड्रैगन का लोगो, और यहाँ पर जो है व्हील में भी जो है लाइट दी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा जो है डिज़ाइन लगा है RGB इफेक्ट्स का, तो मुझे काफ़ी पसंद भी आया है, तो ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो है चेंज करने का बटन मिल जाता है, तो इसको मैं फिर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये अभी ब्लू कलर आ गया, तो यहाँ पर ब्लू कलर, ओके, अब ये फिर से RGB इफेक्ट्स वगैरह चलेंगे, और ये ग्रीन कलर आ गया अब, और ये पर्पल कलर आ गया, और ये येलो कलर आ गया, और ये रेड कलर आ गया। आई थिंक ये रेड स्टिल कैसे करना ये तो नहीं अभी मुझे पता। ओके, तो यहाँ से चेंज करने का भी फंक्शन दिया हुआ है अगर, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये भी ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, तो ये अभी रेड कलर आ गया है। अगर कोई बटन वगैरह करना हो तो चेंज करना हो तो फिर भी ये हो सकता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे बटन दिए हुए हैं, नो डाउट काफ़ी। ओके, तो ये ब्लू कलर आ गया, ये वन कलर आ गया अभी, और ये वन कलर जो है ना काफ़ी लेट चलेगा, मतलब कि एक कलर है तो वो काफ़ी लेट ना वर्किंग में करेगा, तो चेंज भी होता रहेगा। तो ये इस टाइप से ये जो है माउस के फंक्शन दे रहा है, ये काफ़ी अच्छे जो है मुझे माउस लगा है, नो डाउट इसमें। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके जो कीबोर्ड की है ना, कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, इसके जो फंक्शंस मिल रहे हैं FN के RGB लाइट के वो चेक कर लेते हैं। FN 1 दबाता हूँ, तो यहाँ पर तो एक सेकेंड। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना बटन्स वो FN और ये वाला जो बटन दिया हुआ है इन्होंने इस साइड पे, राइट साइड पे, इससे चेंज होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये एक कलर आ गया है, तो ये यूं करके ग्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वन कलर एक एक करके थोड़ा सा लेट ना ये चेंज कर रहा है अपने कलर्स, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो मैं चेंज करता हूँ फिर से। ओके, तो अभी जो भी बटन करूँगा वहीं से जो है लाइट पूरे उसमें जाएगी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, अगर मैं दोबारा से दबाऊँ, ओके, जो ये एस है ना एस, यहाँ से जो है लाइट पूरे उसमें कीबोर्ड में जाएगी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो मैं दोबारा से जाता हूँ,
ओके, तो अभी जो है एक एक जो भी मैं यूज़ करूँगा तो ये वही ओपन करेगा बटन, ये देखें। तो ओके, तो मैं दोबारा से करता हूँ, तो यहाँ पर बस यही है, इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं दिए हुए इन लोगों ने। और जे का दबाता हूँ, जी वन से कुछ नहीं होता, और FN, G5 इनसे भी कुछ नहीं होता, और FN 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी कुछ खर्च नहीं दिए हुए। ओके, M4 से जो है ना, ये जो एक एक जो भी बटन दबाऊंगा वही RGB का जो है ना इफेक्ट ऑन होगा M4 से। ओके, M3 दबाता हूँ। ओके, यहाँ पर भी ये फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और मैं जो जो भी बटन दबा रहा हूँ ओके वही वाले फंक्शंस है, कुछ इतने खास नहीं है। वही यहाँ M4 और मतलब चार इन्होंने जो है मोड्स दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये, और ये M1 आ जाता है। ये वही बटन दिए हुए जो कि ये इसमें दिए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक ना। इसमें थोड़े से एक दो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, यहाँ पर जो है M1 और M2 M3 M4 तक का इन्होंने मोड्स दिए हुए हैं, तो ये इस टाइप से ये शो करता है। तो चलिए फिर मैं इसका जो है ना साउंड की सुना देता हूँ, जो ब्लू स्विच की साउंड की होती है ना वो इस टाइप की होती है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फिर। ये आप लोग सुन सकते हैं कि इसकी जो ब्लू स्विच की जो साउंड होती है वो इस टाइप की होती है। तो मुझे कलर वाइज ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और साउंड तो मैकेनिकल साउंड जो होती है वही मिल रही है, क्योंकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, वन हैंड कीबोर्ड है, तो मैकेनिकल कीबोर्ड की साउंड इसी तरह की होती है, और ये स्विच के हिसाब से होती है। ब्लू स्विच में कुछ चेंज होती है साउंड, और ब्राउन में कुछ चेंज होती है, और ब्लैक में कुछ चेंज होती है साउंड जो मिलती है। तो ब्लैक वाली जो होती है वो थोड़ी साउंड जो कम मिलती है, ब्राउन और जो ये ब्लू है वो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये कि साउंड मिलती है, अच्छी मिलती है। तो ब्लू स्विच की जो साउंड थी वो आप लोगों ने सुन ली है, और जो इसके RGB इफेक्ट्स हैं वो इस टाइप से मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को ये कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड और ये गेमिंग माउस कैसा लगा? मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे हैं, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और मैं रेकमेंड भी कर सकता हूँ कि अगर तो आप लोगों ने कीबोर्ड लेना है, और तो अगर आप गेमर हैं और वन हैंड वाला कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो अगर तो आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, और शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।